जो कट गई वो उम्र थी, जिसे जी लिया वो जिंदगी है। समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को मिलती हैं, क्योंकि समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। सब फैसले हमारे नहीं होते हैं, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मुश्किलों में रोया नहीं करते। व्यक्ति की खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं, उसके कर्म से झलकती है। पिता नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों पर छाया हमेशा ठंडी देता है। दोनों हमारे अंदर हैं, अच्छा भी और बुरा भी। यह हमारे ऊपर है कि हम किसको चुनें और किसका साथ दें। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के ना देखना। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। सभी के साथ सौम्य और अपने लिए कठोर रहिए। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। लाखों चुनौतियों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरूँगा उठूँगा और चलता रहूँगा। ये मत सोचिए जमाने को क्या गवारा है, क्योंकि ये मंजिल भी तुम्हारी और सफर भी तुम्हारा है। आँखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आधियों में कहाँ दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। अपनी कामयाबी को इतना छोटा मत समझो, सिर्फ नसीब वालों को नसीब होती है ये। लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम सही लक्ष्य का चयन करना है। मैं कभी भी सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास रखता हूँ। फैसले लेने से कभी मत डरिए, क्योंकि जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले ही सबसे बेहतरीन फैसले होते हैं। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही वक्त है कुछ करने का, इसे बिल्कुल खोना नहीं। हमारे जीवन की समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, लोगों के पास सिर्फ सुझाव है। खुली है राहें, कदम उठाकर चढ़ते जाइए, मौके मिलते रहेंगे, बस आगे बढ़ते जाइए। आदमी अपने जज्बात से नहीं, अपनी मेहनत और दिमाग से कामयाब होता है। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। जीवन में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं, मजबूत बनाती हैं।